ये क्या हो गया दीदी? 25 साल दूर रहने के बाद 25 दिन भी नहीं हुए, अभी तो मेरे बाबूजी का प्यार भी नहीं पाया था और बाबूजी मुझे छोड़ कर बेटा हिम्मत रखो। युवराज भाई अब हौसला रख के सूर्यकांत जी के सारे व्यापार को तुम्हें ही संभालना है। बेटा अंतिम संस्कार करने के लिए अब चलना चाहिए। रुक जाइए, ये यहां से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मैं जाने नहीं दूंगी। हम इनके बिना नहीं जी पाएंगे। संभालिए, इस परिवार का उत्तरदायित्व हमारी जिम्मेदारी है। संभालिए, ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य। पापानी ज्ञाता ज्ञातिकतानि च त्यानि पश्यन्ति पदे क्षण पदे क्षण पदे पदे यानि कानि च पाप ज्ञाता ज्ञानि तथानिता तानि सर्वाणि पश्यन्ति प्रदीक्षण पदे पदे। ओम शांति शांति आत्मा शांति पृथ्वी शांति वनस्पतयः शांति। ओम अस्तु मातरम् गमय सन्तु मा ज्योतिर्गमय ओम त्योर्माशी गमय। ओम शांति शांति शांति। लो बेटा चिता को मुखाग्नि दो।
बेटा अंतिम संस्कार की आखिरी विधि पूरी करो, चिता को मुखाग्नि दो। बहुत भले इंसान थे सूर्यकांत जी। बेटे मैं सूर्यकांत जी का वकील हूँ। कल जब उनकी मौत हुई उससे पहले दोपहर में फोन आया था, तब वो कह रहे थे कि वो अपने परिवार से खासकर तुमसे बहुत प्यार करते थे। मरने से पहले वो अपनी विल में अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहते थे। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया भगवान, जो मुझे सारी जिंदगी एक पिता से भी बढ़कर प्यार कर दिया, मैंने उसी का खून कर दिया जायदाद की लालच में। मैंने अपनी सही दौलत को तो गवा दिया, आज पापा की चिता के साथ साथ मेरे सारे परिवार की खुशियों की भी चिता जलाई है। क्या कर दिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया। कल जब उनकी मौत हुई उससे पहले दोपहर में फोन आया था, तब वो कह रहे थे कि वो अपने परिवार से खासकर तुमसे बहुत प्यार करते थे। मरने से पहले वो अपनी विल में अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहते थे। मुझे माफ कर देना पापा। जी के बिना सब कुछ अधूरा है, कहीं मन नहीं लगता, नहीं रह सकते हम उनके बिना, नहीं रह सकते हम उनके बिना। क्या हुआ मोड़ी बाबू, युवराज डॉक्टर को फोन करो। हाँ।
डॉक्टर सब ठीक तो है ना? मोटी बाप कैसी है? डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। सूर्यकांत जी की मौत से उन्हें सदमा पहुंचा है और इस उम्र में ऐसा सदमा उनके लिए जानलेवा हो सकता है, इसीलिए आप लोगों को उनका खास ध्यान रखना होगा। ये मैंने दवाई लिख दी है जो कि उनको टाइम पे देनी है। जी डॉक्टर। माँ, प्लीज रोना बंद करो। अगर आप इस तरह टूट गई तो हमारा क्या होगा माँ? हाँ माँ, अगर आप रोएंगी ना तो बापूजी की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। माँ मत रोइए। बापूजी भी यही चाहेंगे कि हम इन हालातों से भी लड़ना सीखें। हम सब मिलकर हालात का सामना करेंगे। माँ जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन यह सब हमारे साथ ही क्यों होता है? मैं मानती हूँ हर किसी के नसीब में सुख दुख होते हैं, लेकिन वो समान होते हैं ना, तो हमारे लिए हमारे नसीब में दुख का पलड़ा भारी क्यों है? और बेटा था उनका, माँ की सांसें जुड़ी हुई थी उनसे, वो नहीं जी पाएगी। क्यों माँ से उनका बेटा छीना? हमसे हमारी हंसी, हमारी खुशियां, हमारी जिंदगी क्यों छीनी? क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? क्या बिगाड़ा था? ऐसा किसी के साथ भी मत करना भगवान, मत करना। कजरी दरवाजे खोलो, दरवाजा खोलो कजरी। मैं देखती हूँ। क्या बात है युवराज? युवराज, अब बचा ही क्या कजरी? तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। जो इंसान मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तुमने मुझे उनके खिलाफ भड़काया, तुमने मुझे गुमराह किया, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि पापा बुरे इंसान थे। जानती हो कजरी, मरने से पहले पापा सब कुछ, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करना चाहते थे। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बिखर गया, मेरी मम्मा बड़ी माँ विधवा हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से कजरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मोटी बाकी से इतनी खराब है, मेरी बहनों का, नियति का रो रो के बुरा हाल है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कजरी तुम मेरे और मेरे परिवार की गुनहगार हो। मेरे हाथ तो रुक गए थे कजरी, पर मेरा हाथ उठाने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो मुझे कजरी। चुप करो युवराज, अपनी गलती के लिए मुझे दोष मत दो। तुमने जो कुछ भी किया ना, अपनी मर्जी से किया, अपने होश में रहकर किया है, और मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चे की भलाई के लिए किया। मैंने तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका दिया था युवराज,
नमन को या तुम्हारे बापू जी को? तुमने नमन को चुना, तुमने युवराज। मैं तो ये घर, तुम्हारा परिवार, यहां तक कि तुम्हें तक छोड़ के नमन को लेकर जा चुकी थी, और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो युवराज। तुमने अपनी मर्जी से अपने बापूजी का खून किया है। सही कह रहे हो गजरी, सारी गलती मेरी है। मैं ही अपने बच्चे के लिए कमजोर पड़ गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों किया गजरी? देखो युवराज, तुम्हें अगर इस बात का पहले पता होता तो तुम बापूजी का खून नहीं करते। तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, तुम्हें ये सब करना पड़ा अपने बच्चे के लिए। गलती मैं जानता हूं, मैंने जो किया वो मैंने अपने बेटे नमन के लिए किया था। पर ये भी सच है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं अपने परिवार का सामना कैसे करूंगा? जो इंसान मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, मैंने उसे मारकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या मतलब? प्रायश्चित। हाँ कचरे, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे बदल तो नहीं सकता, पर प्रायश्चित जरूर कर सकता। मैं अभी जाकर सबको बता दूंगा कि पापा का खून मैंने किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया युवराज। तुम जानते भी हो तुम क्या क्या है? सबको सच्चाई बता दोगे तुम क्या होगा? तुम जानते हो युवराज, अब जो भी अंजाम मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अब कहकर ही रहूंगा कि पापा का खून मैंने किया। युवराज, युवराज रुको, मेरी बात सुनो युवराज। इस बेवकूफ का दिमाग तो चल पड़ा है। मेरी जान, अगर वहां जाके इसने कुछ अनाप शनाप बक दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे।